अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल नेस्ट कुकिंग। आज हम आपको जबरदस्त किस्म के चने कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। इसकी बहुत ही आसान तरकीब है और बहुत ही मजेदार बनते हैं, तो आइए चलते हैं, इसको कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो चने जो है, ये 3 कप चने मैंने लिए हैं और ओवरनाइट इसको सोख करके रखा हुआ था, और अब इसको हम एक कुकर में डाल लेते हैं। कुकर में आसानी से ये गल जाते हैं, इसलिए हम लोग कुकर में बनाएंगे। आप इसको अगर किसी और पार्ट में बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बन जाएंगे उसमें भी। ये चने डाल दिए हैं इसमें, और उसके बाद ये मैंने 3 जो है ये मीडियम जो है टोमेटोज, ये काट के रखे हुए थे, ये डालूंगा टमाटर, और एक बड़ा आनियन, ये भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था, काट के रखा हुआ था, ये भी इसमें शामिल कर देता है। और अब इसके बाद सबसे पहले हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है, ये 1 टेबलस्पून जो है ये इसमें ये शामिल कर देते हैं। टीस्पून जो है ये सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी, और 1 टीस्पून जो है ये हम नमक इसमें शामिल कर देते हैं। ये हसबे जायका आप ये मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा मिर्च नमक इस्तेमाल करते हैं घर में, आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें ये तकरीबन 4 कप पानी जो है ये इसमें शामिल कर दें। और कुकर को ढकना लगा के बंद कर देते हैं और चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये देखें, ढकना मैंने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर इसका वेट रख देते हैं, और विसल जब स्टार्ट हो जाए तो उसके 15 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे, तो उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अब ये देखें, तकरीबन 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कुकर को, जो आपको ट्रिक मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, कि जैसे ही कुकर आपका फुल जो है वो विसल बजा रहा हो तो उसको चूल्हा ऑफ करके तो उसको सिंक में रखें और ठंडा पानी उस पर थोड़ी देर के लिए डालें, और फौरन वो काम हो जाता है और ख़त्म हो जाती है उसकी गैस, ताकि आप उसको राइट अवे खोल सकते हैं। अभी मैंने ये कर लिया, तब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल वो काम हो गया। और अब चूल्हा कर लेते हैं ऑन, और इसका बाकी प्रोसेस आपको भून के तो दिखा। ये देखें चने जो हैं, ये देखें ये बेहतरीन किस्म का चने गल गए। अब आपको बाकी प्रोसेस करके दिखाते हैं फिर। ये देखें, इस वक्त पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल करते हैं और इसको थोड़ा सा भून देते हैं। अब मैं तकरीबन इसमें 1 कप इसमें ऑयल जो है ये शामिल करूँगा। ये जी चने जो है ये देखिए, मैंने थोड़े से भून लिए हैं। अब इस वक्त हम इसमें ये देखें, 1 चम्मच जो है ये पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच जो है ये गरम मसाला, ये इस पर शामिल कर देते हैं। ये और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये ऑलमोस्ट 2 लीव जो हैं ये बे लीफ जो है ये इस वक्त शामिल कर देते हैं, और साथ ही इसमें ये जो कोफ्ते हैं ये भी शामिल कर देते हैं, और 1/2 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्च शामिल कर देते हैं, ये 1/2 टीस्पून। तो इसको अच्छे
अच्छी तरह से अब ये देखें, ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसमें मैंने कोफ्ते डाल के तो ये भून लिया। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। ये तकरीबन 1 कप मैं पानी शामिल करूँगा इसमें। ज़बरदस्त किस्म के चने आपके रेडी हैं। अभी आपको ये सर्व करके और फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसमें लास्ट जो है ये इसके ऊपर ये हरी मिर्च और ये धनिया इस टाइम पे, ये देखिए कुछ हम लोग गार्निश के लिए रख देते हैं, बाकी इसमें शामिल कर देते हैं। ये इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, और ये थिक चने बनते हैं। जब कोफ्ते और चने बनते हैं तो ये थोड़ा सा थिक होता है, ये वाटरी नहीं होता, ये मसाले में बनते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है ये वाटरी नहीं होता, इस तरह के बनते हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते चने रेडी हैं। ये इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें, वाह, ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये देखें, अब इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, ये एक ज़बरदस्त किस्म की क्यूट सी डिश है। ये इसमें मैं निकालता हूँ इसको, फिर आपको दिखाते हैं। इसको गार्निश करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने डिश में निकाल दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखें, ये स्प्रिंकल करते हैं। वाह, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, ये देखें, और ये धनिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार चने बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।